ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विश्व संवाद केंद्र ने रविवार को देहरादून में लेखक गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी में उत्तराखंड में औद्योगिक विकास की संभावनाओं को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही राज्य में कृषि विकास की संभावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम में उपस्थित विषय विशेषज्ञों ने राज्य में औद्योगिक और कृषि विकास की संभावनाओं के साथ ही नीतियों और काम योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया। जो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए उपयोगी विषय है, उस विषय पर संबंधित लोगों का वैचारिक प्रबोधन करना और जो उसके तज्ञ लोग हैं उनके द्वारा विषय का प्रतिपादन, चाहे वह लेख के माध्यम से हो, पत्रिका के माध्यम से हो, गोष्ठी के माध्यम से हो, तो इस प्रकार का काम विश्व संवाद केंद्र का है। उसी भूमिका के कारण से अभी हमने एक पत्रिका पहले नारद जयंती के अवसर पर निकाला, जिसका शीर्षक था उत्तराखंड हमारा उत्तराखंड कैसा हो, जिसमें हमने विभिन्न विषयों पर विद्वान लेखकों के लेख उसमें छापे थे। विश्व संवाद केंद्र देहरादून इकाई ने एक संवाद प्रारंभ किया है औद्योगिकरण पर और कृषि पर। तो कृषि से संबंधित जहाँ तक उत्तराखंड का परिप्रेक्ष्य में ये बिंदु सामने आता है कि जहाँ एक और वन बाहुल्य क्षेत्र है, केवल 12% भूमि में ही कृषि योग्य क्षेत्र हैं, लेकिन मानव वन्य संघर्ष के वजह से, जानवरों से जो नुकसान होता है उसके वजह से,